लाइन थी सरकार में ओके तो सबसे पहले जो सीन हुआ इसके बारे में हमें बताएं, बस की स्लैब पे लेटाया गया था आपको, व्हाई वाज दैट? ये अगेन अच्छा ओके तो बर्फ़ की सीढ़ी पे इसलिए लिटाया था क्योंकि मैंने उनसे बिना पूछे मैं छुट्टी पे चले गया था और वो बहुत गुस्सा हो गया क्योंकि जब मैं छुट्टी पे गया था और कुछ यहाँ पे प्रॉब्लम हो गई थी घर पे और जो होनी नहीं चाहिए थी, मेरी जिम्मेदारी थी उसे ना होने देना और वो हो गई तो उसकी सज़ा मिली और मुझे बर्फ़ पर लिटा दिया और तब तक लेटे रहूँगा जब तक बाइक का पेट्रोल ख़त्म नहीं हो जाता। बट फॉर्चुनेटली कुछ ऐसा मैजिक पावर हो जाती है कि पेट्रोल ख़त्म हो जाता है और मैं बाहर आ जाता हूँ। लेकिन अच्छा ये तो चलिए ऑन स्क्रीन आपका जो शो ट्रैक था उसकी बात है, ऑफ स्क्रीन वहाँ पे लेट कर कैसा लगा आपको? अच्छा लगा एक्चुअली, मतलब जो मेरा कैरेक्टर है ना वही चैलेंजिंग, कभी बग्घी खींच रहा हूँ, कभी गन्स चला रहा हूँ, कभी लेक पे कूद रहा हूँ, कभी सेगवे चला रहा हूँ। उस दिन मैंने ट्रक चलाई परसों, ट्रक कभी मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं ट्रक चलाऊँगा। एक मैंने पहले बुलडोज़र चलाया, तो मैं बहुत कुछ सीख रहा हूँ। तो मतलब अगर भगवान ना करे मेरा एक्टिंग करियर ख़राब हो जाए तो मेरे पास प्लान बी ऑप्शंस काफ़ी है। बुलडोज़र ड्राइवर बन सकता हूँ, ट्रक ड्राइवर बन सकता हूँ, बहुत कुछ है। मतलब चिल्लम भी पिया मैंने, जो अच्छी बात नहीं है बट हाँ। लेकिन ये सब चैलेंजेस जो या जो भी पनिशमेंट, हमेशा रंगीला ही फंसता है इन सब में, तो क्या गुलाम है ना शो का, तो गुलामी तो दिखानी पड़ेगी और तो वही है, गुलामी करवा रहे हैं उसे। पहले बहुत सालों पहले बहुत लोगों की गुलामी, बहुत लोगों के ऊपर गुलामी हुई थी, अब आज एक बैरमपुर में एक लड़का है जिस पर गुलामी हो रही है। बट कैसे, वही स्टोरी यही है कि कैसे मैं गुलाम से बाहर निकल के फाइट बैक करता हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू।